सर हमारे केवीपी नगर के स्टूडियो में। काफी समय से सर आप समाज सेवा कर रहे हैं, अचानक आपका राजनीति में आने का विचार कैसे बना? राजनीति में हम अपने आप नहीं आए हैं, हमारे क्षेत्र के तमाम सम्मानित मतदाताओं कार्यकर्ताओं के आदेश पर हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अच्छा, मतलब कहने पे आपने लड़ने का फैसला किया। अच्छा सर, आप कई मतलब पार्टियों के साथ रह चुके हैं, तो क्या किसी पार्टी में आपको जनता कोई मदद करने की उम्मीद नहीं जगी जिसके जरिए आपने मतलब कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? जब सम्मानित मतदाता और कार्यकर्ता प्रत्याशी बन जाते हैं तो इंकलाब आ जाता है, किसी पार्टी का आवश्यकता नहीं होती है। पार्टियों का निर्माण जनता के द्वारा होता है, जनता का निर्माण पार्टियों द्वारा नहीं होता है। इसलिए जब जनता ने हमें आदेशित किया है चुनाव मैदान में प्रत्याशी बन उतारा है और लोग हमारे कंधे कंधा जोड़ करके इंकलाब के बाद विरोध कर रहे हैं और फारूक के बाद बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी पार्टी का आवश्यकता नहीं है। अच्छा फारूक जी, ये बताइए कि मतलब आपके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके चलते आपने समाज सेवा चुनी, और मतलब आप लगातार कितने वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं? करीब हमारी उम्र 45-46 साल है। 15 वर्ष की उम्र से हमने लोगों की मदद करने की इसलिए अपने दिमाग में सोचा कि हम लोगों के कुरान और हदीस में भी लिखा है कि तुम गरीबों मजलूमों मजबूरों और मजदूरों को सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसलिए जो हम गरीबों मजलूमों की मदद कर रहे हैं, आज हम जिस मुकाम पे हैं जहाँ हैं, ईश्वर ने गैर से उसकी मदद कर रहा है, उसका बदला दे रहा है। अच्छा ये बताइए फारूक जी कि मतलब जनता आप पर जिस तरह से विश्वास करती है, तो आप मतलब चुनाव में विजय होने के बाद जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या मतलब क्या क्या विकास करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा गारंटी देंगे। किसी भी दौर से गुजर करके हम उनके स्वाभिमान को सम्मान को गिरने नहीं देंगे, नंबर एक। और अगर नेता के अंदर विल पावर हो तो विकास तो अपने आप हो जाता है। विकास कुछ केंद्रीय विकास की बात नहीं करनी है, बिना पद के ही हमने बहुत काम किए क्षेत्र में, और उसके बदले में हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे सम्मानित मतदाताओं ने हमें आदेशित किया और हमने चुनाव मैदान में उतरने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय मतदाताओं कार्यकर्ताओं का है। सर ये बताइए, जो बढ़ती महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये जो सरकार भी आई है, ये गरीबों मजलूमों मजदूरों के उत्थान के लिए आई है वादा करके, और इसमें जो महंगाई बढ़ती है इसमें गरीबों मजलूमों मजदूरों का ही उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उनकी आमदनी से ज़्यादा कहीं खर्चे हो रहे हैं जिससे लोग कर्ज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम चुनाव जीते तो इसके बाद हम गंगा जल की तहजीब को जिंदा करते हुए और जात और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को कंधे से कंधा जोड़ करके और महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम उसको साथ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए फारूक जी, किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसान इतना परेशान है, काफी दिनों से कई बॉर्डरों पर मतलब आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार फिर भी किसान के लिए कुछ भी मतलब नहीं कर रही है। ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, इस सरकार का व्यापारियों से बड़े व्यापारियों से एग्रीमेंट है, इसलिए उनकी सरकार की मजबूरी उस बिल को वापस नहीं ले पा रहे हैं। मगर किसान इस देश का अन्नदाता भी है और यहाँ का मतदाता भी है, और किसान लगभग 70-80-90% आदमी किसान है, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे वो नौकरी में हो। तो जब किसान इंकलाब के बाद विरोध करेंगे तो एक आंधी ऐसी आएगी जिसमें सरकार की नजर आएगी, जिनको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए। बाकी सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसको हमारी और हमारे न्यूज चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।